shwetalifestyle.com. Hey everyone, this is me Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta Lifestyle. So आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेरी अफोर्डेबल ट्रेडिशनल एथनिक वियर मिंत्रा हॉल. एंड इस हॉल में ना आपको काफी वेरायटी देखने को मिल जाएगी, लाइक साड़ीज, लहंगा, वन पीस, जम्प सूट, एवरीथिंग अंडर वन हॉल ओनली. वो भी काफी ब्यूटीफुल कलेक्शन एड किया है. ये वीडियो ना एंड तक देखना चाहिए. उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट्स गेट स्टार्ट. मैंने बाय किया दिस वेरी प्रिटी वन पीस ड्रेस फ्रॉम ब्रांड विशुद इन साइज स्मॉल. वेरी वेरी प्रिटी पीस इन डार्क मरून शेड. एंड ओवरऑल जो ड्रेस है वो आपको मिल जाएगा दिस काइंड का. अपर बॉडी पार्ट पे आपको मिलता है दिस काइंड का गोल्डन प्रिंट जिसे फॉइल प्रिंट कहते हैं. एंड नीचे बॉटम आपको मिल जाएगा फुल्ली प्लेन. ए लाइन पैटर्न है, बहुत ही प्रिटी एंड गॉर्जियस लुक दे रहा है वियर करने के बाद. आप देख सकते हो स्लीव मिल जाती है आपको, फुल स्लीव एंड नेकलाइन स्मॉल राउंड नेकलाइन मिलता है विद दिस लूप काइंड ऑफ ओपनिंग विद दिस बटन. एंड क्लोजर एंड ओपनिंग के लिए ना आपको साइड में जिप मिल जाती है. फिटिंग इज सो गुड फ्रॉम वेस्ट एंड चेस्ट, बट यस इसका जो स्मॉल साइज है वो मुझे थोड़ा सा आर्म से एंड शोल्डर से ना फिट हो रहा है. लाइक मैं अगर हैंड्स अप करने का ट्राई कर रही हूँ तो वो काफी ज्यादा फिट एंड टाइट हो रहा है. एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप बाय करना चाहते हो दिस पीस तो आपको वन साइज प्लस बाय करना. काफी ज्यादा सुंदर लगा, मैंने इसे अपने करवा चौथ के मॉर्निंग लुक के लिए बाय किया था. इसमें आपको दो से तीन कलर और ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक टील ब्लू कलर भी है, देन पिंक और पीच कलर भी. आई थिंक फैब्रिक इज सॉफ्ट थिन कॉटन लिनन, तो आई थिंक ना लाइनिंग अटैच होनी चाहिए थी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि अगर आप धूप में निकलते हो तो ये ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा, बट मुझे डाउट है कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट लुक दे सकता है. प्राइस इज जस्ट अंडर 700 और 650. काफी अच्छे ऑफर एंड डिस्काउंट में मिल गया था तो मैंने बाय कर लिया है. आप भी डेफिनेटली इन पर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मूविंग ऑन, मैंने नेक्स्ट बाय किया दिस वेरी प्रिटी क्लासी एलिगेंट जंप सूट फ्रॉम ब्रांड शे बाय सतफराज इन स्मॉल साइज. वेरी वेरी गॉर्जियस पीस एंड आई एम इन लव विद दिस पीस आफ्टर बाइंग एंड वेयरिंग. आप भी इसका ओवरऑल लुक देखोगे ना तो फ्लैट लग रहा है. पीस की पीस इज सो ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. फ्रंट में मिलता है आपको डीप वी नेक विथ स्लीवलेस पैटर्न. एंड यस लोगों का कंप्लेंट था कि काफी ज्यादा डीप है, तो यस थोड़ा सा डीप है बट आप इस तरह से स्पेगेटी कैरी कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल. आपको टील ब्लू एंड व्हाइट कलर से ओवरऑल इस तरह से प्रिंट का पैटर्न मिल जाता है. दूर से देखने में टाई एंड डाई का इफेक्ट दे रहा होगा. बहुत ही सुंदर सा कलर है. फिट एंड फिनिशिंग इज सो गुड. वियर करने में काफी ज्यादा सुंदर सा लुक आता है. इसके साथ आपको मिल जाता है दिस बेल्ट. एडजस्टेबल बेल्ट मिलती है विद दिस इलास्टिक एंड बैक में हुक मिल जाएगा आपको. एंड बैक में आपको पूरा टॉप से लाइक हिप पोर्शन तक क्लोजर एंड ओपनिंग के लिए जिप भी मिल जाती है, तो काफी अच्छा फिटिंग एंड पहनने एंड उतारने में ना कोई इशू फील नहीं होता. सो बेल्ट के साथ आपको दोनों साइड में ना डीप पॉकेट मिल जाता है, तो मुझे ना पॉकेट वाले ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. लाइक आपको पॉकेट मिल जाए तो मतलब वो ड्रेस ही पैसा वसूल हो जाता है. एंड जो बॉटम है ना वो काफी ज्यादा फ्लेयरी एंड वाइट लेग मिला है, तो उससे जो ओवरऑल लुक है ना वो काफी प्यारा सा रहा है. आप देख पा रहे होगे वियर करने के बाद. एंड इस जंप सूट को ना मोर ट्रेडिशनल एथनिक लुक देने के लिए मैंने सिंपली एक चोकर एंड इयररिंग वियर कर लिया है. एंड आप ओवरऑल लुक देख सकते हो कितना सुंदर है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस करवा चौथ में एक फ्यूजन सा लुक ट्राई आउट किया जाए एंड देखा जाए, तो आउटकम रहा वो बहुत ही सुंदर है. प्राइस इज जस्ट आई थिंक मुझे 700 या 900 के अप्रोक्स मिल गया है. सो वेरी वेरी वर्थ एंड अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल. मूविंग टू नेक्स्ट, मैंने बाय किया दिस सिंपल सोबर क्लासी एथनिक वन पीस ड्रेस. एंड दिस ड्रेस लुक समथिंग लाइक दिस. स्ट्रैप पैटर्न का ड्रेस मिल जाएगा एंड फ्रंट में आपको मरून कलर से दिस क्रॉस पैटर्न वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है. एंड दिस 4 to 5 बटन्स मिल जाते हैं. एंड यहाँ पे बेस पे आपको दिस गैदर एंड फ्रिल पैटर्न मिल जाएगा. ओवरऑल जो ड्रेस है वो आपको कुछ ए लाइन का ऐसा फ्लेयरी मिल जाएगा. बॉटम पे मिलता है आपको दिस ऐसा फ्रिल वर्क एंड विद दिस प्रिंट, डिफरेंट काइंड का प्रिंट जो की ओवरऑल अच्छा ही लुक दे रहा है. इंडिगो प्रिंट है, व्हाइट कलर से ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है. ब्रांड इज अनॉक, साइज इज स्मॉल. साइज एंड फिटिंग एंड फिनिशिंग देखा जाए तो ओवरऑल वेरी वेरी गुड. एंड दोनों साइड पे आपको पॉकेट भी मिल जाते हैं इस ड्रेस में. तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अगर पॉकेट वाले ड्रेसेस होते हैं ना वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं. लाइक आपको फोन डालना हो या कीज डालना हो तो आपको अलग से बैग कैरी करने का जरूरत नहीं है. तो वेरी वेरी प्रिटी कम्फर्टेबल है वियर करने में. एथनिक लुक देता है. आप इसको अपने कैजुअल डे आउटिंग हो, चाहे एक छोटा सा स्मॉल फेस्टिवल हो, डे का कुछ फेस्टिवल है ना उसमें अच्छे से. था कि डे लुक में करवा चौथ के लिए कुछ एथनिक ड्रेस देखती हूँ तो काफी कम प्राइस में देख रही थी, तो 500 के अंदर ही ये मुझे ड्रेस मिल गया. तो काफी ज्यादा वर्थ है, अफोर्डेबल है अगेन. एंड वियर करने में भी काफी सुंदर से लुक देता है, तो डेफिनेटली एक बार आप चेकआउट कर सकते हो. अगेन मुझे आई थिंक 2 से 3 कलर ऑप्शन दिखे थे, तो अगर आपको जो कलर पसंद है आप एक बार
चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टू नेक्स्ट मैंने बाय किया दिस वेरी गॉर्जियस साड़ी इन टील ब्लू कलर एंड आई डोंट नो व्हाई कि आजकल मुझे टील ब्लू कलर इतने अट्रैक्ट क्यों करते हैं। सो फाइनली मैंने बाय कर लिया है माय मोस्ट अवेटेड साड़ी फॉर माय करवा चौथ लुक एंड दिस साड़ी लुक समथिंग लाइक दिस। पूरा आपको फ्रिल पैटर्न में मिल जाएगा, लाइक बॉटम में आपको पूरा फ्रिल मिल जाएगा एंड अपर जो पोर्शन है ना वो प्लेन है। फैब्रिक इज जॉर्जेट, कलर इज टील ब्लू एंड ब्रांड इज इंडस। प्राइस आई थिंक ना 1200 और 1215 के अंडर में ही मुझे सेल में मिल गया, तो काफी ज्यादा वर्थ एंड अफोर्डेबल भी लगा एंड काफी दिनों से नजर भी थी इस पे, तो फाइनली मैंने बाय कर ही लिया है। एंड ओवरऑल साड़ी आपको इस पर से प्लेन मिल जाएगा एंड जो बॉटम का जो आपको फ्रिल है ना वो प्लीटेड फैब्रिक का मिलेगा लाइक, एंड इसके साथ आपको मिल जाता है बहुत ही सुंदर सा हैवी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ब्लाउज का पीस। मुझे एक्सपेक्ट था कि ब्लाउज ही स्टिच वाला ही मिल जाएगा, बट स्टिच नहीं था, अनस्टिच ब्लाउज का पीस मिलता है आपको 1 मीटर अराउंड एंड जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ दैट इज वेरी वेरी फाइन एंड फिनिश एम्ब्रॉयडरी विद सीक्वेंस एंड गोल्ड का ना थ्रेड वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। सो आप जब कम्प्लीटली इसे ना स्टिच करा के अपने साड़ी के साथ पेयर करोगे तो आई थिंक कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है एंड मुझे तो काफी ज्यादा वर्थ एंड अफोर्डेबल लगा। डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट कर सकते हो क्योंकि 1200 के अराउंड में ना काफी अच्छा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश साड़ी मिल जा रही है आपको, तो और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बाय किया था दिस वेरी गॉर्जियस रेडी टू वियर लहंगा चोली सेट फ्रॉम ब्रांड शे बाय सासाफ्रास इज स्मॉल साइज एंड इसमें भी अगेन आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक लाइट पिंक था, एक ऑरेंज था एंड आई थिंक 1 कलर इज ऑलिव ग्रीन। तो मुझे लाइट पिंक कलर शेड ना काफी अच्छा लगा फॉर माई करवा चौथ लुक एंड मैंने बाय किया एंड ऑर्डर किया, बट दिस टाइम मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ एंड दिस टाइम मुझे सिर्फ प्रोडक्ट में रिसीव हुआ दिस ब्लाउज और चोली एंड जो स्कर्ट था वो रिसीव ही नहीं हुआ। सो मैंने कंप्लेन फाइल कर दी है एंड देखते हैं अभी क्या होता है। सो जब ब्लाउज का पीस था एंड जो स्टिच ब्लाउज है काफी प्रिटी सा है, गॉर्जियस सा है, फिट एंड फिनिशिंग देखा जाए तो काफी अच्छा है, बट फैब्रिक थोड़ा सा ज्यादा लाइट है। मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि थिक फैब्रिक होगा, फैब्रिक इज लाइक ना ट्रांसपेरेंट सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक दिख रहा है विद दिस एंड जो फिनिशिंग है टॉप का वो गोटा स्मॉल गोटे वाले लेस से फिनिशिंग हुई है। बैक आपको डीप राउंड नेक मिल जाता है एंड फ्रंट में दिस काइंड का स्वीट हार्ट काइंड का नेक भी स्लीवलेस पैटर्न मिल जाएगा। सो प्राइस इसका आई थिंक 15 अराउंड समथिंग था जिसमें स्कर्ट तो मिसिंग ही है, बट मैंने सोचा कि शेयर कर देते हैं एक रिव्यू। फिर डिसअपॉइंट थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि आई दिस साड़ी और उस लहंगे में से दोनों में से कुछ पेयर करूंगी, बट आई थिंक कि जब तक रिटर्न या पिकअप होता है तब तक करवा चौथ ही निकल जाएगा। बात नहीं, आई थिंक ऐसा होता ही रहता होगा। फॉर टुडेज फ्रेंड आई थिंक आपको ये मेरा जो छोटा सा एथनिक एंड ट्रेडिशनल मेंत्रा हॉल था वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहे, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।